तो स्वागत है आपका पाथ फाइंडर स्टडी पॉइंट में मैं दिवाकर गुप्ता आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ और इस समय मैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल लेके आपके सामने आया हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि लास्ट ईयर या एक साल के अंतर्गत जो भी पेपर होते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उन पेपरों से चार से पाँच क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम में मेरा मत मतलब यह है कि आर का एग्ज़ाम आठ अप्रैल को है तो 2017 और 2018 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यू पी के उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनके जीएस के क्वेश्चन हूब कोई पेपर में आ सकते हैं पहले भी ऐसा होता आया है ये ट्रेंड है एक तो इसको इग्नोर मत करिए बहुत इंपॉर्टेंट है पी भी हुआ था प्री दो सोलह में सत्रह में सॉरी तो उसका उसका भी पेपर पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा उसके अलावा और भी जो पेपर हैं वो पढ़ लीजिएगा आज मैं आपके सामने लाया हूँ उत्तर प्रदेश सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो है जो जो अभी बहुत ही हाल ही में यानी 24 दिसंबर 2017 को संपन्न हुई थी तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें आप लोगों में से जिसने दिया हो उसको पता होगा लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिर रिपीट होने की संभावना है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समय निकाल कर पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक और चीजों को लर्न करने की कोशिश करिएगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है बार बार जो है चीज़ों को देखने का तो दो बार में देखिए लेकिन उसको पूरा देखिए अच्छे से जिससे अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होने पाए चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है तो ये संख्या है एक फिर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस या यूएन द्वारा दस, कुछ दशक घोषित किए जाते हैं स्पेशल तो उनमें से क्वेश्चन आया था कि 2010-11 से 2020 तक के जैव के दशक को क्या घोषित किया गया जैव विविधता दशक या बायोडायवर्सिटी दशक 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया था 2008 से 2017 का जो दशक है उसको दूसरा गरीबी निवारण दशक घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और 2005 से 2015 को जीवन के लिए जल कार्रवाई दशक तो ये दशक हैं जो किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं मिलान के रूप में पूछे जा सकते हैं फिर मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है तो कृषि भूमि जो होती है वो मानव द्वारा रूपांतरित होती है क्योंकि बेयर लैंड पे मानव जो है कृषि करता है अपने हिसाब से उगाता है अपने हिसाब से काटता है तो पूरी तरह से मानव के कंट्रोल में होती है कौन सी कृषि भूमि दूर संचार उपग्रह की जो प्रक्षेपण की दिशा होती है जब कोई दूर संचार उपग्रह पृथ्वी से पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है तो उसकी प्रक्षेपण की दिशा क्या होनी चाहिए तो प्रक्षेपण की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है क्यों होती है क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन है वो भी पश्चिम से पूर्व होता है और जो दूर संचार उपग्रह है वो पैंतीस हजार सात सौ छियासी किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर स्थापित हो किया जाता है मानव जैव मंडल कार्यक्रम इसको हम मैब नाम से जानते हैं जो पॉपुलरली इंग्लिश में हम इसको फुल फॉर्म क्या बोलेंगे मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम ये यूनेस्को युनेस्क, द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम था जो 1970 में प्रारंभ किया गया था इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं मैब का फुल फॉर्म पूछा भी जा चुका है फिर पूछा जा सकता है तत्व तो जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है तो ऐसा तत्व तो कौन सा है सिलिकॉन है सिलिकॉन जो है किसी न किसी सिलकेट्स या अन्य योगी के रूप में मिलता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है फिर ऐसे कौन से विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं तो विटामिन सी और ई ऐसे विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको समाप्त करते हैं फ्री रेडिकल्स हिंदी में मुक्त मूलक मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स जो है शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं प्लास्टर आप पेरिस को क्या कहते हैं यही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो है इसका केमिकल नाम है और केमिकल फार्मूला हो गया सी एस ओ फोर इंटू हाफ एच टी ओ एच टू ओ फिर एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है जो मैंने इसीलिए इसको, इसको स्पेशली मेंशन किया है यदि पृथ्वी को गोला मान लिया जाए कि पृथ्वी एक गोला है और उसकी आकृति और द्रव्यमान में हम कोई भी परिवर्तन ना करें केवल त्रिज्या को एकाएक आधा कर दें आधे तक सिकोड़ दें तो पृथ्वी का जो सामान्य 24 घंटे का काल होता है एक दिन का तो एक दिन पृथ्वी पर कितना रह जाएगा तो पृथ्वी पर एक दिन जो है छ घंटे का रह जाएगा इसका फाल्मूला भी दिया है जहाँ से मैंने ये नोट किया है सॉल्व किया है तो ये जड़त तो आघूण का नियम इसमें लगाया गया है कवक मूल जिसको माइकोराइजिया कहते हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं बीएससी वगैरह किया है वो जानते हैं इसको तो ये क्या होते हैं कवक मूल जो कवक होते हैं और उच्च पादप यानी हायर प्लांट्स होते हैं उनके बीच जो है एक संबंध होता है उनकी जड़ों के बीच कवक जो है उच्च पादपों की जड़ों में रहते हैं और उनसे एक जो है संबंध बना लेते हैं तो ये संबंध किस प्रकार का होता है सहजीवी होता है सहजीवी मतलब कवक जो है कुछ पौधों से प्राप्त करता है और पौधों से कवक भी कुछ प्राप्त करते हैं तो ऐसा रिलेशन हमेशा सहजीवी या सिम्बायोसिस कहलाता है वहीं पर अगर ऐसा होता कि कवक जो है कुछ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते हैं तो वो पैरासिटिक रिलेशन हो जाता है धान का खैरा रोग आप लोग जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन आया यूपीपीएससी एग्जाम में जिंक की कमी से अभी मैं जब ये इस पेपर को पढ़ रहा था और नोट्स बना रहा था तो मैंने एक चीज़ एनालाइज की कम से कम डेढ़ सौ में पच्चीस क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से सीधे सीधे लिए गए हैं तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम आर का एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो आर के पाँच से दस साल के पेपर जो है घटना चक्र से या जो भी सोर्स आपके पास हो उससे एक क्विक रिवीजन कर डालिए आपके दिमाग में आंसर बैठ जाए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा भी झुका हुआ आयोग का तो 20-25, 30 क्वेश्चन उससे मिलना संभव है फिर ट्यूर बार्बी यूरिक एसिड जो है ये इसका क्या प्रयोग होता तो ये औषधियों के निर्माण में प्रयोग होता है और ये औषधियाँ कैसी जो मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए औषधियाँ बनती उनके लिए विटामिन बी ट्वेल्व जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं इसकी कमी से क्या होता है तो इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की जो कारकी होती है यानी फिजियोलॉजी जो होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है और एक बीमारी है बहुत स्पेशल घातक रुधिर छिड़ता जिसको हम पेरिनीसियस एम, एनीमिया कहते हैं ये हो जाता है इसको ज़रूर याद रखिएगा साइंस के बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में और मैंने 100 परसेंट जैसे डेढ़ सौ क्वेश्चन थे मैंने सब नहीं नोट किए हैं इसलिए क्योंकि कुछ बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे जो आपको सभी को कॉमनली पता है या मैं अपने पिछले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए और जो लेक्चर्स जो क्वेश्चन मुझे लगे कि आपका ध्यान आकर्षित करना उस पर जरूरी है मैंने वही जो है नोट किए हैं काला आजार रोग जो है सैंड मक्खी से होता है यानी सैंड मक्खी इसकी बाहक है इसके कारक का रखा? और जो निद्रा रोग होता है जिसको उससे सीसी मक्खी जो है इसकी वाहक होती है पौधों को अगर अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशन से बचाने के लिए पौधों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है या कौन सा वर्णक पाया जाता है तो कैरेटिनाइड जो कैरेटिनाइड जो वर्णक होता है या पिगमेंट होता है वो पौधों को हानिकारक यूवी रेज या यूवी रेडिएशन से बचाता है फिर आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स होते हैं आपने जानते होंगे तो इन ये किन किन राज्यों में स्थित है इसके मिलान के बारे में क्वेश्चन आया था तो भितरकनिका जो है ये कहाँ पर है उड़ीसा में है सष्टम कोटा झील केरला में है कांजली आदिभूमि जो है ये पंजाब से बिलोंग करती है और दीपोर बिल ये भी एक आद भूमि है जो असम में है तो इसमें से आपने भितरकनिका तो आप जानते ही होंगे लेकिन बाकी तीन जो है थोड़ा स्ट्रेंज है इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा फिर कुछ भौगोलिक क्षेत्र और उनके भूकंप जोन के बारे में क्वेश्चन था तो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है ये भूकंप जोन पांच में आता है अब ये सर्वाधिक सक्रिय भूकंप जोन होता है यानी सबसे ज्यादा तबाही जो है यहीं पर मचाई मचती है भूकंप जोन आप जानते हैं पहले पांच गिने होते थे अब चार कर दिया गया है, तो पाँच चार तीन दो तक होती है स्केलिंग इसकी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो भूकंप जोन चार में आता है और ये अधिक तबाही का खतरा है मतलब इसके बारे में जो कहा जाता है कि भूकंप जोन में क्या है ये अधिक तबाही का खतरा इसमें रहता है फिर उत्तर प्रदेश के शेष ज़िले पंजाब और राजस्थान भूकंप जोन तीन में आते हैं जो सामान्य जिनमें सामान्य तबाही का खतरा होता है तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वो किस भूकंप क्षेत्र में आता है तो आपको बताना होगा भूकंप जोन तीन में फिर गर्म जल के कुछ स्रोत होते हैं या इनको गर्म जल का सोता भी कहते हैं कामन लैंग्वेज में तो वो किन किन राज्यों में स्थित हैं तो बकरेश्वर जो है ये पश्चिम बंगाल में है गौरीकुंड बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा चारधाम यात्रा पर अगर गए बद्रीनाथ और केदारनाथ तो आप अच्छी तरह जानते होंगे उत्तराखंड में है मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है और झारी देवला झारी देवला जो है ये उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है और झारी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये सैववाद का एक प्राचीन गढ़ या प्राचीन स्थल है फिर जनजातियों का मिलान करना था उसमें है कोल जनजाति कहाँ पर है मध्य प्रदेश में पाई जाती है माड़िया तथा मुड़िया ये दो जनजातियाँ जो हैं ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं कोडांगू कर्नाटक की जनजाति है राव जो है ये रांची जो आपका झारखंड में है उस उससे रिलेटेड है फिर कुछ नदी और उनके नगर उनके किनारे बसे नगर इनमें से गलत जोड़ा बताना था तो यहाँ पे सारे सही लिखे हैं तो यारा नदी के किनारे मेलबॉर्न शहर बसा हुआ है सीन नदी के किनारे पेरिस है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा सुमिदा नदी ये टोक्यो के इसके किनारे टोक्यो बसा है फिर पर्ल नदी के किनारे हांगकांग बसा हुआ तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अगर देखा जाए क्योंकि इसमें एक दो ऐसे ऑप्शन थे जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाले थे स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं स्लोवाकिया आप जानते हैं कि जो है एक यूरोपियन कंट्रीज है कंट्री है तो उसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं एक है चेक गणराज्य हंगरी ऑस्ट्रिया यूक्रेन और पोलैंड तो ये स्लोवाकिया जो है इन देशों से घिरा हुआ है फिर जनगणना 2011 में नगरीकरण का क्रम क्या है भारतीय राज्यों का चार राज्य दिए थे उसमें से तो गोवा सबसे अधिक नगरीकृत है फिर मिजोरम तमिलनाडु केरला फिर जलसंधियाँ और वो किन किन जो है अलग करती किन् स्थलों को तो बास जलसंधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में तस्मानिया एक द्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है टॉरेस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में है और कुक जलसंधि जो न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं न्यूजीलैंड दो बड़े द्वीपों में बटा हुआ है तो उसके बीच जो जलसंधि है वो कुक जलसंधि है फिर कुछ पावर स्टेशन है जहाँ पर जो है विद्युत का उत्पादन होता है तो वहाँ पे कौन से प्रकार की ऊर्जा होती है और किस राज्य में स्थित है इसको हम जान लेते हैं माउंट आबू जो है सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में स्थित है मुप्पा मुप्पांडल जो है ये पवन ऊर्जा का केंद्र है या पावर स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है फिर कोणनकुलम या कोणकुलम जो है परमाणु ऊर्जा का केंद्र है जो तमिलनाडु में ही स्थित है और पतरातु पतरातु पहले भी पूछा गया है ये तापीय विद्युत ऊर्जा का केंद्र है जो झारखंड में है फिर खनिज और उनके जो खनन क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं यूपी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो ग्रेनाइट जो है वो बांदा में खनन होता है इसका बांदा में खनन क्षेत्र इसका डोलेमाइट सोनभद्र में पाया जाता है सिल्का सैंड इलाहाबाद में और बाक्साइट चित्रकूट में तो ये कई बार आया है पहली बार नहीं आया ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल में इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं फिर जो भारतीय औषधि बाजार है उसकी विश्व में क्या पोजीशन है तो विश्व में अगर आकार के अनुसार देखा जाए तो आकार में जो है तीसरा जो है सबसे बड़ा आकार है भारतीय बाजार का लेकिन अगर उसकी कीमत की बात की जाए तो तेरहवा स्थान रखता है ये विश्व में चीनी उत्पादन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो है पंद्रह सोलह की जिसमें दो हज़ार सोलह का डाटा दिया गया है ए आई एस टी ए द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है ये तो ये क्या कहती है कि महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में नंबर वन है तैंतीस परसेंट चीनी उत्पादन पूरे भारत का करता है उत्तर प्रदेश 28 परसेंट उत्पादन करता है पूरे भारत का तो दूसरे नंबर पर है कर्नाटका तीसरे नंबर पर है और तमिलनाडु चौथे नंबर पर है फिर विश्व के कुछ उद्योग और उनके केंद्र जो है इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन आया था कि लॉस एंजल्स जो है ये फिल्म उद्योग वहाँ का प्रसिद्ध है या वह फिल्म उद्योग की प्रमुखता है बोस्टन जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और सेंडियागो जो है प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं गेहूं उत्पादन का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार विश्व में क्या क्रम है तो गेहूं उत्पादन में चीन नंबर वन पे भारत दूसरे नंबर पे, रूस यूएसए, कनाडा इसमें आप पांचों क्रम याद रख लीजिएगा कहीं से भी पूछा जा सकता है तो चीन भारत रूस यूएसए कनाडा ये क्रम हो गया गेहूं उत्पादन का आप कुछ और खनिज देखते हैं टिन उत्पादन में चीन जो है बहुत अग्रीबी भूमिका रखता है इसी प्रकार मैग्नीज़ जो है दक्षिण अफ्रीका कॉपर चिली और बाक्साइट ऑस्ट्रेलिया अब तक का पेपर देख के आप समझ गए होंगे कि इसका स्तर इस कैसा है बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर है ये और जो चीज़ें पूछी जानी चाहिए वैसी ही चीज़ें पूछी गई हैं और आर में भी इसी तरह का पेपर आना संभावित है इसलिए थोड़ा सा अपना फोकस जो है इन सब चीज़ों पर भी लेके चलिए फिर कॉफी उत्पादन जो 2016 और 17 में का जो डाटा के आधार पर जो जो बताया गया लेटेस्ट तो कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर एक पे है वियतनाम सेकंड पोजीशन कोलंबिया इंडोनेशिया और होंडुरास तो ब्राज़ील वियतनाम कोलंबिया तीन तो आपको याद ही रखने हैं फिर कोयला उत्पादन की जो 2016 की लेटेस्ट रिपोर्ट है मतलब इसके बाद कोई रिपोर्ट अभी तक जनरेट नहीं हुई है इसमें चीन पहले नंबर पे यूएसए दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे भारत का आपको विशेषकर याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया उसके बाद में आते हैं हार्वे तूफान एक आया था यूएसए में जो यूएसए के तट से टकराया था और 2017 में ये था बहुत ही भयानक तूफान था ये यूनेस्को कन्फ्यूसियस साक्षरता पुरस्कार एक पुरस्कार है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है ये 2017 का जो पुरस्कार है ये द सिटीजन्स को दिया गया द सिटीजन्स फाउंडेशन पाकिस्तान की एक संस्था है जो साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करती है <coughs> फिर फार्चून 2017 जो लिस्ट थी 40 अंडर 40 मतलब विश्व के 40 ऐसे युवाओं की सूची थी जो विश्व के सर्वाधिक युवा प्रभावशाली युवा व्यक्ति हैं तो इस सूची की अगर बात करें तो इमैन्यूल मैंको जो प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया सूची में ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं द्वितीय स्थान प्राप्त किया मार्क जुबर साहब साहब ने फेसबुक के संचालक स्थापक हैं और चेंग वही और जिंग लियू ये एक साथी हैं और ये दीदी चुगसिंग जो कंपनी है चाइना की उसके मालिक है उसके संस्थापक हैं या सी कह लीजिए आप तो ये तीनों याद रखिएगा कौन किस नंबर पर था भारत का प्रथम विश्व विरासत शहर आसान क्वेश्चन आपके लिए अहमदाबाद बहुत बार पढ़ा होगा सुना होगा इंदिरा का कैंटीन किस राज्य में शुरू की गई तो 16 अगस्त 2017 को इंदिरा कैंटीन शुरू की गई कर्नाटका में <coughs> ये कैंटीन जो किस लिए शहरी गरीबों के लिए जो शहर में मजदूर रहते हैं गरीब रहते हैं बी से नीचे तो इनको क्या सुविधा दी गई इसमें दस रुपये में भोजन कराया जा रहा था और पाँच रुपये में नाश्ता दिया जा रहा तो ये शहरी गरीबों के लिए योजना है लिंग तटस्थ यानी जो है जो लोग अपना सेक्स नहीं बताना चाहते हैं या वो हारमाफोडाइट हैं होमोसेक्सुअल हैं या जो भी कंडीशन हो तो उनको पासपोर्ट में उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी एक्स का निर्माण कर दिया गया है तो पासपोर्ट आवेदन करते समय उनको एक्स कैटेगरी चिन्हित करनी होगी जो मेल या फीमेल नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये किसके द्वारा किया गया सिंपल सा क्वेश्चन है ये कनाडा द्वारा ये पहल की गई है राजीव गांधी खेल रथ पुरस्कार 2017 देवेन देवेंद्र झांझरिया जो पैरा एथलीट हैं इनको दिया गया और सरदार सिंह भारतीय हॉकी प्लेयर को दिया गया है अर्जुन अवार्ड दिया गया चेतेश्वर पुजारा जो भारतीय क्रिकेटर है जाने माने चेतेश्वर पुजारा अब तटीय गस्ती पोस्ट जो भारत ने श्रीलंका को स्थानांतरित कर दिया या सौंप दिया तो उसका नाम है वरुण फिर BWF एफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप दो हजार सत्रह जो कहाँ खेली गई ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेली गई इसका जो महिला एकल का किताब था वो नोजोमो ओकुहारा ने जीता ये जापान की प्लेयर हैं और पीवी सिंधु इसमें हार गई थी जो भारतीय हैं इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था खेल से आप देखिएगा कम से कम आठ दस क्वेश्चन आए हैं <coughs> फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 की बात करें तो रोजर फेडरर ने जीता इसको मेल सिंगल्स में रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी स्विट्ज़रलैंड की इन्होंने हराया किसको रॉफेल नडाल जो स्पेन के प्लेयर हैं और इसी टूर्नामेंट की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो महिला सिंगल्स का जो खिताब है वो सैरना विलियम्स ने जीता और अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन मैं ये नहीं जानता कौन छोटा बड़ा है मतलब दोनों बहनें हैं अमेरिकन हैं यूएसए की नागरिक हैं तो वीनस विलियम्स को हराया तो फर्स्ट पे सेरना विलियम्स सेकंड पे वीनस विलियम्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 जो फीमेल सिंगल्स का इसका वो हुआ उसमें स्लोन स्टीफेंस ये यूएसए की प्लेयर हैं ये जीती है और इन्होंने हराया मैडसिन कीज जो है अपने ही देश की यूएसए की और यूएस ओपन टेनिस जो है जो पुरुष एकल संपन्न हुआ उसमें राफेल नडाल जीते स्पेन के और केविन एंडरसन जो है उनसे हार गए थे फाइनल में तो ये साउथ अफ्रीकन है देखिए खिलाड़ी कोई भी हो उनका जब नाम लीजिए तो उनका देश ज़रूर साथ में लिख के रखिए खिलाड़ियों के बारे में उनका देश जो है बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है फिर एक कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है 2017 में ये तमिलनाडु गवर्नमेंट सॉरी ये किसको दिया जाता है साहस एवं साहसी उद्यम के लिए यानी महिलाओं के लिए स्पेशली है क्योंकि कल्पना चावला के नाम पर है तो ये प्रीति निवास श्रीनिवासन जो हैं तमिलनाडु की रहने वाली इनको दिया गया 2017 का और पूर्व राज्य अंडर 19 क्रिकेट के कप्तान की, की कप्तान है ये प्री, प्रीति श्रीनिवासन फिर नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल ये एक वेबसाइट है पोर्टल है जिसके द्वारा प्रतिभाओं की खोज की जा रही है स्पोर्ट्स के तो ये उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया वेंकैया नायडू साहब द्वारा 28 अगस्त 2017 को अशोक का जो पांचवा शिलालेख है उसमें क्या उल्लेख किया गया ये क्वेश्चन आया है तो धम्म महापात्रों की भूमिका का उल्लेख किया गया है ऊँट की हड्डियों के अवशेष कहाँ मिले हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सुरकोटदा सुर कालीबंगा और कानेवाल तो कानवाल इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम थोड़ा कम प्रचलित है इन सभी स्थानों से ऊंट की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं <coughs> फिर हड़प्पा के जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उनका अगर क्षेत्रफल का क्रम देखा जाए तो क्या होगा तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है मोहनजोदड़ो है दूसरे नंबर पे हड़प्पा है तीसरे नंबर पे गांगेरी वाला है और चौथे नंबर पे धौलावीरा है यानी लास्ट में आता है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा गांगेरी वाला धौलावीरा ये इसका सही क्रम हो गया भारत के इंडिया का भारत के लिए सॉरी इंडिया का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो जो प्राचीन इतिहासकार हैं होरोडोटस ने अपने लेखों में इसका प्रयोग किया था वीडियो थोड़ा लंबा खींचने वाला है आधे घंटे से ऊपर का हो जाएगा लेकिन आप लोग इसको धैर्यपूर्वक बहुत ध्यान से देखिएगा अगर मेरा अनुमान सही निकला तो तीन चार क्वेश्चन इसमें से हूबहू आ जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है तो जैसा पहले सालों में होता आया है तो अब बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज जिसको नवीन ब्रह्म समाज कहते हैं इसकी स्थापना किसने की थी केशवचंद सेन ने केशव चंद सेन के बारे में जानते होंगे पहले वो आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ में ही थे लेकिन आपसी मतभेद और बाकी चीज़ों के कारण जो है वो आदि ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे तो उन्होंने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जिसको भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा गया <coughs> फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और एक साधारण ब्रह्म समाज भी बना जो आनंद मोहन बोस द्वारा बनाया गया बुद्ध के एक समकालीन स्त्री थी जिसको स्त्री रत्न की उपाधि दी गई थी तो ये आम्रपाली थी ये नर्तकी थी लिच्छवी गणराज्य की बहुत ही सुंदर होने के कारण और बहुत ही सु, सुंदर नृत्य करने के कारण और ये राज घरानों में नृत्य करती थी तो इसके कारण इसको जो है स्त्री रत्न की उपाधि दी गई थी वन डे क्रिकेट में सर्वाधिक स्टंपिंग का जो रिकॉर्ड है मतलब जो स्टंप में बॉल को मार के आप लोग जानते हैं क्रिकेट खेल खेले होंगे तो इसका जो रिकॉर्ड है वो एम एस धोनी ने बनाया इन्होंने क्या किया 300 मैचों में 100 लोगों की स्टंपिंग की जो एक विश्व रिकॉर्ड बना और जो आखिरी विकेट यानी जो सवा स्टंपिंग इन्होंने की वो अकीला धनंजय जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं और ये मैच श्रीलंका के विरुद्ध ही खेला गया था 2017 में अब एग्जैक्ट कौन सा मैच था ये मुझे नहीं याद है फिर पूर्व रिकॉर्ड क्या है इनसे पहले किसका रिकॉर्ड था तो निन्यानवे का रिकॉर्ड था कुमार संगकारा का जिन्होंने चार सौ चार मैचों में निन्यानवे स्टम्पिंग आउट किए थे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 जो लंदन में आयोजित हुई इसमें भाला फेंक के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है देवेंद्र सिंह कांग फिर यूएस ओपन ग्रांड प्रिक्स बैडमिंटन जो 2017 में कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ तो इसके पुरुष एकल की अगर बात करें तो एच एस प्रणय ये भारतीय हैं इनको पहली रैंक मिली और पी कश्यप ये भी भारतीय हैं ये द्वितीय दु, नंबर पे आए तो यानी यूएस ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन 2017 दो में दोनों भारतीय जीते जिसमें से एच एस प्रणय प्रथम नंबर पर और पी कश्यप द्वितीय नंबर पर आप लोगों को मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज बताया था एक सजेशन दिया था कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ जरूर सॉल्व करिए डेली एक तो आप लोगों में से कौन कौन टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा है और कितनी सॉल्व की है मुझे ज़रा कमेंट बताइएगा क्योंकि स्टेट सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी उससे स्पीड बनेगी माइनस मार्किंग का आपको आइडिया हो जाएगा और दूसरी चीज़ें मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको करने में मज़ा भी आता है और थोड़ा सा अपना आकलन हो जाता है कि हमारा जो है कौन सा एरिया कमज़ोर है तो कमेंट बताइएगा कोई दिक्कत हो भी बताइएगा पुरंदर की संधि जो सोलह में हुई वो किसके किसके बीच हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह जो मुगलों की तरफ से लड़े थे और शिवाजी तो इनके बीच हुई थी इसमें शिवाजी को संधि मतलब क्योंकि शिवाजी ने झुक कर संधि की थी हारने के पश्चात तो इनको शिवाजी को अपने तेईस किले और चार लाख हूड की वार्षिक आय जो है गवानी पड़ी यानी मुगलों को देनी पड़ी थी फिर कुछ युद्ध हैं जिनका सुमेलन करना है घा सॉरी इनको क्रम से लगाना था जो क्वेश्चन आया था कि इनका क्रम बताइए तो घाघरा का युद्ध पंद्रह में हुआ था बाबर और अफगान के अफगानों के बीच में हुमायूं का कलिंजर अभियान पंद्रह में चला था इसमें हुमायूं और शेरखाँ की भिड़ंत हुई थी चौसा का युद्ध पंद्रह में हुआ था और अकबर का जन्म पंद्रह में हुआ था तो इसको क्रमबद्ध व्यवस्थित करना था जो इसका ये सही क्रम है मनका या मड़का बनाने का जो कारखाना है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो चंदहुदड़ो और लोथल दो जगह से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं सॉरी तो अब कुछ और युद्ध हैं इनके इन युद्धों के का अंत किन संधियों से हुआ इसके बारे में हमको बताना है तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है इसके एक्स लापेज संधि के हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध या प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध कह सकते हैं उसको मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ था फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ के एक अधिवेशन में हुआ था किसके द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा फिर कुछ सत्याग्रह और उनका है घटनाएं उनका क्रम से लगाना सा तो सबसे पहले आएगा वायकोम सत्याग्रह जो 1924-25 के मध्य हुआ था गुरुवयूर सत्याग्रह उन्नीस सौ इकतीस बत्तीस में हुआ था और भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में हुई थी आईने में किस फसल की खेती या किस चीज की खेती का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी फसलों का उल्लेख किया गया है तो आईने में आलू और टमाटर का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय ये किस गवर्नर जनरल तो लार्ड एलनबर के समय में ये हुआ 1842 से 1844 तक लार्ड एलनबर था और अगस्त अठारह में ये सिंध विलय का काम हुआ फिर कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाओं को क्रम से लगाना है मैंने पहले ही बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में डेट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और डेट ये भी नहीं कि, कि आपको केवल ईयर याद होना चाहिए पूरी डेट याद होना जो है बहुत ज़रूरी क्योंकि इस तरह से क्रम से लगाने वाले बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट उन्नीस में गांधी और इरविन में समझौता हुआ था पाँच मार्च उन्नीस को द्वितीय गोल सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था सात सितंबर उन्नीस को और जो आखिरी घटना है इनमें से सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की जो रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी वो 16 अगस्त 1932 को की थी फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तिगत है एक सौ सैतीस अनुच्छेद एक सौ सैतीस के इसका अर्थ यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई का आदेश दिया था और उसका वो खुद ही जो है दोबारा उसको रद्द करके उसको ओवर रूल कर सकता है अपने आदेश को बदल सकता है यही जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है फिर संविधान का जो भाग नौ है वो किन राज्यों पे लागू नहीं होता तो आप जानते हैं विशेष राज्यों संबंधित उनके अनुसूचित जनजातीय प्रशासन के बारे में है ये अनुच्छेद दो सौ अड़ा तो नागालैंड नागालैंड या मेघालय और मिजोरम ये तीन ऐसे राज्य हैं जिनमें भाग नौ अनुच्छेद दो सौ तैतालीस अड़ा नहीं लागू होता है हालांकि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये इसका पालन नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए इनकी सरकार जो है इनकी जो विधानसभा है उसको दो तिहाई बहुमत से पास करना होगा एक प्रस्ताव तब यहाँ पर ये चीज़ लागू हो सकती है यू जो है यूनाइटेड नेशनल डेवलप प्रोग्राम ये एक मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है जो 2016 में जारी हुई थी इसमें ब्रिक्स देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत के बारे में बताया गया है तो इसमें इसके अनुसार सबसे ज़्यादा ब्रिक्स देशों में अगर कोई नगरीय देश है तो वो कौन सा है ब्राज़ील पचासी दशमलव सात प्रतिशत रूस की नगरीय जनसंख्या कितनी है चौहत्तर प्रतिशत चाइना की पचपन दशमलव प्रतिशत और भारत की बत्तीस दशमलव सात प्रतिशत लेकिन ये जो भारत की बत्तीस दशमलव सात प्रतिशत है ये हो सकता है दो की स्थिति हो लेकिन जो दो का अंतिम आंकड़ा है उसके अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या इकत्तीस दशमलव एक प्रतिशत है तो सेंसस 2011 के हिसाब से भी याद रखिएगा रुपए जो एक तरह का एटीएम कार्ड है वो जारी किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा और ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इससे मुद्रा की मुद्रा प्राप्त की जा सकती है यानी एटीएम की तरह इसको यूज किया जाता है वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट जो 2017 जार में जारी हुई थी और इसके जारीकर्ता कौन है विश्व आर्थिक मंच तो इसमें भारत का एक सौ स्थान है 130 में महिला समाख्या कार्यक्रम जो महिलाओं की शिक्षा के हेतु प्रारंभ किया गया था वो 1989 में प्रारंभ किया गया था फिर अब हम लास्ट पेज पे आ गए हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस इसको हम जेम भी कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ये इसका फॉर्म भी पूछा जा सकता है ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जयम को संचालित करता है जैव विविधता अधिनियम या बायोडाइवर्सिटी जो है नियम का पारित किया गया था 2002 में किया गया था गंगा डाल्फिन सेंचुरी कहाँ पर बनी हुई है तो ये भागलपुर बिहार में बनी हुई है गंगा डाल्फिन सेंचुरी फिर पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रदूषण के भार के आधार पर चार रंगों में उद्योगों को विभक्त किया गया था तो जो उद्योग लाल रंग जिनको प्रदान किया गया है वो हैं सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले नारंगी रंग मध्यम प्रदूषित हैं हरा रंग कम प्रदूषित हैं और सफ़ेद रंग जो है जो दिया जाता है वो सबसे कम यानी प्रदूषण रहित उद्योगों के लिए दिया गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है चेन्नई में तो जब नेशनल जब बायोडाइवर्सिटी अधिनियम पारित हुआ था 2002 में उसके ठीक बाद अक्टूबर 2003 में नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एन बी ए का जो है काम बनाया गया था इसका मुख्यालय चेन्नई है तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही लगभग मैंने डेढ़ सौ क्वेश्चन का अगर पेपर था तो एक सौ सौ से ऊपर ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं और अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके बहुत हित में रहेगा वीडियो को एक बार रिवाइज़ करके देख लीजिएगा मुझे तो बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इससे आपको मिलना चाहिए या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा तो देखते रहिए अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और जो लोग पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उनको फिर से बता दूं कि मैं संडे को मॉर्निंग में सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जितना भी Uh, क्योंकि सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है सबको एक साथ व्यवस्थित करके मुझे स्कैन करना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग है आप जानते हैं कि मैं आ, सर्विस भी करता हूं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा समय निकालना संभव नहीं हो पाता है लेकिन आप लोग का जो रिस्पांस है उसके कारण मैं अपना अधिकतम समय जो है आप ही लोग के लिए निकाल कर रखता हूँ तो दोस्तों धन्यवाद नमस्कार जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय